नमस्कार। पाकिस्तान का एक कहानी अलग है। कहानी ये कि पाकिस्तान हथियार बेचेगा यूक्रेन को और चाहेगा सस्ता तेल रशिया से, और वो भी सस्ता तेल अप्रूव किया रशिया ने कि हम आपको बेच भी देंगे, उसके बाद भी नहीं खरीद पाया। मैकेनिज्म की फॉल्ट्स और कैसे पैसा ट्रांसफर किया जाए, ये प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स मिलकर के रशिया और पाकिस्तान के बीच में तेल का आज भी इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान को इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुक्तदिर खान, और आप इनको अच्छे से पहचानते हैं, इनको मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं, ये अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में इसी चीज के यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स के ही प्रोफेसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, ये जो पाकिस्तान चाह रहा है कि वो इम्पोर्ट भी कर ले सस्ता तेल, रशिया के दुश्मन को एक्सपोर्ट भी कर दे हथियार, और साथ में जो इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है तो इसलिए वो पैसा भी कैसे दे कोई नहीं जानता। रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम और नमस्कारम। और हो सकता है टुडे माइट बी द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ऑफ रमजान। बहुत ही अजीब, मैं पहले कहता था कि जब इमिग्रेंट्स अमेरिका आए हैं तो जो एलीट अमंग द इमिग्रेंट्स हैं वो अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझते थे, बिकॉज दे हैव एजुकेशन एंड मनी, सो दे थॉट दे कुड एंटर द पॉलिटिक्स वेरी क्विकली। इट्स लाइक सेइंग कि भाई फुटबॉल खेलते हैं अमेरिकन, अरे वाह, फुटबॉल तो हम भी खेलते थे, बट अगर आप यहाँ अमेरिकन फुटबॉल में जाके देखेंगे, अमेरिकन फुटबॉल तो हाथ से खेला जाता है, एंड इफ यू पिक अप द बॉल यू विल गेट कॉन्स्टेंटली फाउलर। तो उस तरह सा पाकिस्तान का हो गया, गेम कुछ अलग चल है, रूस ये कुछ अलग ही तरह से गेम में एंटर होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये ऑयल का ले लें रशिया से, तो इन्होंने मार्च में दे अग्रीड दैट दे विल बाय रशियन ऑयल एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। आपको पता है रशियन को भरोसा नहीं था उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, बिफोर वी साइन अप अ डील आप एक कंसाइनमेंट तो लेके हमको दिखाएं कि यू कैन पुल इट ऑफ। आई मीन आई फाउंड दैट सो इंटरेस्टिंग कि रशियंस, अगर रशियंस कमिट करते ना इनको कि हम आपको तेल दे रहे हैं, तो वो ब्लॉक कर देते उतना कोटा, और फिर वो बिकता नहीं मार्केट में बिकॉज दे आर नॉट कलेक्टिंग देयर द ऑयल। तो सो दे सेड पिक वन असाइनमेंट, वन कंसाइनमेंट एंड देन वी विल सी। तो पाकिस्तान के कई मसाइल हो गए। एक तो वो दे आर नॉट एबल टू अरेंज द ट्रांसपोर्ट। अपेरेंटली एक जो रिफाइनरीज को जो लेके जाना पड़ेगा क्रूड ऑयल, यू नीड स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स, वो इनके पास नहीं है। दे हैवेंट अक्वायर्ड दोज व्हीकल्स। अगर उसको बाहर से खरीदना है, उसको इम्पोर्ट करना है, सो देन दे डोंट हैव डॉलर्स टू डू दैट। और तीसरा प्रॉब्लम पेमेंट का है कि हाउ आर दे गोइंग टू पे। रशिया ने इनको कहा कि हम तीन करेंसी में पैसे लेंगे, या तो रूबल्स में लेंगे, या युआन में लेंगे, या डरहम में लेंगे। ये तीन करेंसीज की ऑफर की है, इनके पास तीनों करेंसी नहीं है। सो आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस दे वर गोइंग एंड नेगोशिएटिंग के भाई आप मार्च में जा रहे हैं और कह रहे हैं। और पता है क्वांटिटी इज सपोज टू बी 1 लाख बैरल्स पर डे। तो अब ये 1 लाख बैरल्स पर डे खरीदेंगे तो पैसे कैसा करें? लाइक व्हेन दे वर नेगोशिएटिंग इन मार्च, वो क्या एंटिसिपेट कर रहे थे कि चाइना से पैसे आ जाएंगे या आईएमएफ से? सो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग व्हेन दे नेगोशिएटेड द डील। आई थिंक दैट इज व्हाई रशियंस वेयर स्केप्टिकल। और तीसरी चीज ये है कि जो G7 ने जो प्राइस कैप लगाया है, आई थिंक इट्स $60, दे सेइंग के $60 से ज्यादा आप ना दें, तो वो भी एक शायद प्रॉब्लम हो गया है। मैंने बहुत ढूंढा आज सुबह टू गेट अ सेंस ऑफ कि व्हाट इज द प्राइस एट विच पाकिस्तान हैज नेगोशिएटेड द डील। वो नजर नहीं आ रहा कि इफ इट इज मोर देन द G7 कैप, अगर G7 से ज्यादा है तो आई कैन टेल यू दिस मच कि स्टेट डिपार्टमेंट से बहुत प्रेशर पड़ रहा होगा पाकिस्तान को नॉट टू डू दैट। और अब तो लेवरेज भी हो गया ना ये IMF का इसका लेके, सो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू रियली अपसेट द US सिग्निफिकेंटली। तो मुझे लगता है कि वो फंस गए अपने ही जाल में और दे आर नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड। अब अगर ये कहें कि हम नहीं लेंगे रशियन ऑयल, तो पब्लिक में इतना गुस्सा आ जाएगा कि आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं, आई मीन यू आर प्रिटेंडिंग टू डू समथिंग गुड फॉर अस एंड नॉट डूइंग इट। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ स्टक इन दिस वे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखें, इंडिया मैनेज्ड इट वेरी वेल।
अब तो ये हो गया है कि इंडिया तकरीबन जितना पाकिस्तान को चाहिए उससे डबल, यानी 2 लाख बैरल्स पर डे इंडिया सिर्फ यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है, 10-12%। पाकिस्तान के लिए एक मजीद प्रॉब्लम है। अब देखिए, इंडिया का भी, रशिया हैज नाउ बिकम, मार्च के महीने में रशिया बिकेम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू इंडिया। इंडिया के पहले 3 इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई होते थे, बट रशिया इज नाउ नंबर 1, इवन मोर देन इराक। तो अगर पाकिस्तान रशिया से अपना क्रूड लेने लगेगा एंड स्टार्ट्स नॉट बाइंग फ्रॉम यूएई एंड सऊदी अरेबिया, तो हाउ कैन इट एक्सपेक्ट सऊदी अरेबिया एंड यूएई टू बेल देम आउट लेटर? तो आई डोंट नो कि इन्होंने, दे डिडंट थिंक दिस थिंग थ्रू, कि ये इकोनॉमिक जो हम रशिया से डील कर रहे हैं, इसका जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मतलब इट इज वेरी फनी, बच्चों के खेल की तरह मुल्क चला रही है। राइट। अच्छा, बच्चों के खेल की तरह तो नो डाउट चला रहे हैं। क्या पाकिस्तान को अभी $1 बिलियन यूएई ने कमिटमेंट किया कि हम दे देंगे, साथ में $1 बिलियन आईएमएफ को इन्फॉर्म भी किया कि हम देने जा रहे हैं, उसके बाद भी आईएमएफ कहीं पे भी डाउन होता नहीं दिख रहा, उसकी शर्तें और उसकी पोजिशन? क्या पाकिस्तानी ऐसा बोलते हैं कि ये आर्म ट्वेस्टिंग है वेस्ट की तरफ से? आईएमएफ देखिए, एक एक इज अ टूल जिससे आर्म ट्वेस्टिंग हो रही है पाकिस्तान की, और वो लोग कर रहे हैं डिस्टेंस बिकॉज पाकिस्तान इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस? आई मीन इट इज बिकॉज ऑफ चाइना, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द टिल्ट। आप कितना भी टिल्ट हो जाए उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इट्स नॉट दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द वेस्ट, वो तो है ही नहीं ना। द रियलिटी इज के पाकिस्तान का जो डेट है, 30% ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट इज टू चाइना। तो आईएमएफ कह रहा है कि भाई आपका सबसे बड़ा डेटर तो चाइना है, हम थोड़ी हैं। तो इट्स नॉट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप जाइए चाइना से रिनेगोशिएट करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई मीन योर प्रॉब्लम ऑफ डेट सर्विसिंग, जो प्रेशर है ना इनके पास, इनके पास दो प्रॉब्लम है, एक तो कर्जा है, दूसरा इनके पास कैश डॉलर्स में नहीं है ना, दे नॉट, सो यू गो एंड नेगोशिएट। इनफैक्ट मुझे ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी रुपीस में क्यों नहीं वो पे कर देते लोन चाइना को, क्योंकि चाइना इज इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान सो मच, और पाकिस्तान को वो एड देते रहता है, तो वो रुपये वापस नेक्स्ट टाइम वो रुपये में एड दे दे जो पाकिस्तानी रुपीज में आप पेमेंट ले ले। सो आई डोंट इवन थिंक दैट दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो सो दैट इज वन प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में थोड़े रिपोर्ट्स छपे हैं अबाउट पाकिस्तानी एक्टिविटीज, सम ऑफ देम मे बी टू मेक अमेरिका और यूके खास तौर से हैप्पी, बट रशिया को बहुत, आई एम श्योर, इज गोइंग टू बी वेरी अपसेट। दो रिपोर्ट्स आए हैं, एक के पाकिस्तान जो है सो एमिनेशंस बेच रहा है यूक्रेन को, और आपको पता है चंद महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान, विच मीन्स दैट इट इज कोलैबोरेटिंग विथ नेटो पावर्स टू सेंड एमिनेशन, खासतौर से स्मॉल आर्म्स वगैरह के बुलेट्स वगैरह वो भेज रहे थे। लेकिन अब एक रिपोर्ट ये आई है कि जो मर्सिनरीज हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पाकिस्तानी पासपोर्ट खरीदना चाह रहे हैं, फिर वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर अफगान मुजाहिद, अफगानिस्तान के जो फाइटर्स वगैरह जो पाकिस्तान में हैं उनको रिक्रूट करेंगे ताकि वो जाके यूक्रेन की तरफ से रशिया के खिलाफ लड़े। तो नाउ पाकिस्तान कुड बी इन ए पोजिशन वेयर दे विल नॉट ओनली प्रोवाइड एमिनेशन टू यूक्रेन, बल्कि वो अब मैन पावर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दिस पीपल विल बी कैरिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट, यानी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जाके रशिया के खिलाफ लड़ रहे। आई मीन व्हाई विल रशिया नाउ कोलैबोरेट विद यू और कोऑपरेट, और आपके साथ कंसेशंस भी क्यों करेगा किसी भी तरह से? सो आई हैव अ फीलिंग कि वो अपने आप को ना, दे पुट देमसेल्फ इन अ स्ट्रेंज सूप, कि भाई आप किसी से फेवर मांग रहे हैं और फिर उनके खिलाफ आप सोल्जर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क। और ये सारी चीजें यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स में भी रिपोर्ट की गई, सम ऑफ द डिटेल्स अबाउट दिस एक्टिविटीज, सो इट इज, इट मस्ट बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट एम्बैरेसमेंट। तो आईएमएफ बेसिकली कह रहा है कि भाई ये तुम क्या शिनानिगंस कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जाइए चाइना से रिनेगोशिएट करे लोन्स एंड उसके बाद आप हमारे पास आए।
यूएई और सऊदी अरेबिया आर हाइडिंग बिहाइंड आईएमएफ. वो कह रहे हैं कि जब तक आईएमएफ अप्रूव नहीं करता हम आपको लोन्स नहीं देंगे. आईएमएफ कह रहा जब तक आपको पैसे नहीं देंगे हम अप्रूव नहीं करेंगे. तो इट्स लाइक इधर से उधर यू नो पिंग पोंग चल रहा है बिटवीन आईएमएफ एंड दीज टू कंट्रीज. तीसरी चीज ये है कि ये जो डिस्कशन चल रहा है कि पाकिस्तान इज टू बिग एंड टू इम्पोर्टेंट टू फेल, उसके फेवर में ना तो कभी कोई प्रेसिडेंट या कोई सीनियर अमेरिकन सेनेटर वगैरह किसी ने नहीं कहा कि यू नो वी अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान इज मिसगवर्न्ड बैडली गवर्न्ड बट वी कैनॉट अलाउ इट टू फेल. ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको कोई यूरोपियन लीडर या कोई मेजर अमेरिकन लीडर के पास से पाकिस्तान के बारे में नहीं सुना. सो द बैंकिंग इन आईएमएफ के जो प्रोफेशनल्स वगैरह जो हैं दे आर नॉट गेटिंग द मैसेज कि वी हैव टू बी लीनियंट टू पाकिस्तान. दे आर जस्ट लुकिंग एट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. और उनको तीन चार प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं. एक तो सब्सिडीज, हर चीज पे सब्सिडीज है. मैं सुना कि उनके मेट्रो जो ट्रेन है उस पर भी सब्सिडी है, उनके जो हाईवेज है उस पर भी सब्सिडी है, वरना दे आर नॉट ऑल वर्किंग वेल. तो वो सारे सब्सिडीज वो कट करना चाह रहे हैं. पहले ऑयल और डीजल पे सब्सिडीज वो काट चुके हैं. सेकेंड थिंग दे आर सेइंग कि जो वेरियस एक्सपेंसेस हैं उसको कम करें, और सम ऑफ दोज एक्सपेंसेस आर मिलिट्री रिलेटेड. तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली सेइंग नो. तो जो सजेशंस जो आईएमएफ दे रहा है ताकि आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम करें जिसके वजह से आपको लोन्स लेना ना पड़े, दे आर रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई ऑन एनी ऑफ दैट. मतलब वो लोन्स लेते ही रहेंगे. फिर दूसरी चीज ये है देन दे शुड फाइंड सम वे टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स ताकि जो कर्जे ले रहे हैं उसको वापस करने के लिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने के लिए उनके पास डॉलर्स हो. आपको पता है इस साल तो सिर्फ 7 बिलियन या 6 बिलियन कुछ ड्यू है, अगले साल 25 हो जाएगा. वो द डेट सर्विसिंग विल बी $25 बिलियन विच इज वेरी क्लोज टू देयर टोटल एक्सपोर्ट्स. समझे? जितना वो एक्सपोर्ट करते हैं वो टोटल उसके करीब आ जाएगा खाली डेट का पेमेंट्स वगैरह जो उनको नेक्स्ट ईयर इस वक्त करना पड़ेगा. सो आई फाइंड इट दैट दे आर, देखिए सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हुआ था ना, इट कोलैप्स बिकॉज इट हैड इकोनॉमिकली स्ट्रेस्ड इटसेल्फ. अपनी वो हैसियत से ज्यादा पांव फैलाया इसलिए वो बिल्कुल डजंट एग्जिस्ट टुडे हिस्ट्री में. इतना पावरफुल कंट्री था. अगर हम ये डिबेट 1980s में करते होते तो वी वुड हैव बीन टॉकिंग अबाउट सोवियत यूनियन एज अ वर्ल्ड सुपर पावर एंड नाउ इट डजंट इवन एग्जिस्ट. सो पाकिस्तान शुड थिंक अबाउट इट. यू नो सोवियत यूनियन 16 टुकड़े हो गया. पाकिस्तान इफ इट इज नॉट वेरी केयरफुल इट विल गो बैंकक्रप्ट. और बैंकक्रप्ट के बाद भी सॉल्यूशंस आर नॉट ऑटोमेटिकली, कर्जे माफ नहीं हो जाते. आपको और कर्जे मिलना बंद हो जाएंगे, देन हाउ विल यू गवर्न? सर दो कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना चाहूंगा. एक कॉन्फ़िगरेशन, अगर यूक्रेन वॉर में किसी साइड लेनी पड़े, मुझे लेनी हो, तो एक साइड यूक्रेन है, एक साइड रशिया. मैं रशिया के साथ जाऊंगा पर्सनली. क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास क्या है? रशिया के पास बहुत कुछ है. रशिया के पास आर्म्स है, रशिया के पास तेल है, रशिया दे सकता है. कॉन्फ़िगरेशन तब चेंज होती है जब यूक्रेन के सपोर्ट में नेटो और वेस्ट आता है, अमेरिका. अब नेटो और अमेरिका भी आपके साथ आ जाते हैं अगर आप यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं. तो ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट करता है तो कहीं नेटो और वेस्ट की ओर या अमेरिका की ओर उसकी निगाहें हैं. और दूसरी चीज क्या, इस महीने अप्रैल में 230 कंटेनर्स ऑफ आर्म्स पाकिस्तान विल बी एक्सपोर्टिंग टू यूक्रेन. ये जो 230 कंटेनर्स हैं, क्या ये वेस्ट के और अमेरिका के प्रेशर में एक्सपोर्ट किया जा रहा है? देयर आर टू रीजंस इंसेंटिव. एक तो एक टू मेक अमेरिकन्स हैप्पी और दूसरा इज टू गेट डॉलर्स. देखिए इंडिया इज हैविली इन्वेस्टेड विद रशिया ना. इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, हथियार के भी हैं, डिफेंस के हैं. इंडिया की एयरफोर्स S-400 अभी इंडिया ने खरीदा. सो देयर आर लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया. Pakistan is not that invested in Russia. So Pakistan ka problem sirf ye hai ki oil. The West has mismanaged the energy issue. Wo bilkul ek to ek sanctions lagaye, Europe ko tang kar diya, khud Europe has suffered. Phir global south pura pareshan ho gaya because of these economic sanctions. Agar America oil ka jo distribution hai globally, if they had managed it better, ya Saudi Arabia se agar wo koi mahada kar lete
and said, okay, fine, we will buy all your surplus oil and then we will resell it, say, to Pakistan and other countries. Then a country like Pakistan fully commit ho ja sakta na, wo Ukraine ke liye. वो हथियार भी बेच सकता है, जो चाहे वो यूक्रेन को दे सकता है, एंड द वेस्ट विल कॉम्पनसेट इट फॉर इट्स लॉसेस बिकॉज ऑफ इट्स. अगर वो बंदे भी भेज रहा है, अपनी भी कमांडोज भी जा रहे हैं वो अफगान फाइटर्स के साथ, सो बिकॉज इट्स. बट ये इमरान खान ने आके जो एंटी वेस्ट रेटरिक उन्होंने 3-4 साल लगाई है, सो द वेस्ट इज ऑल्सो नॉट फुली. जिस तरह से रशिया इज सस्पिशियस ऑफ पाकिस्तान, उस तरह से वेस्ट इज ऑल्सो सस्पिशियस ऑफ पाकिस्तान. कि अगर हम पूरी तरह से इन्वेस्ट हो जाते हैं पाकिस्तान में और फिर अक्टूबर के इलेक्शन में इमरान खान आ जाता है विथ हिज एंटी वेस्टर्निज्म, तो फिर हमारे डूब जाएगा व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट्स दे माइट मेक इन पाकिस्तान. लेट्स से कि द यूएस कम्स आउट एंड से कि हम आपको, अब तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कुछ दे नीड सम हैवी $50-60 billion की गारंटीज चाहिए. तो अगर द यूएस आके कहता है ठीक है, हम $10-15 billion की आपको सिक्योरिटीज दे देते हैं, गारंटी दे देते हैं, एंड देन सऊदी अरेबिया कम्स इन एंड दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. बट इसके बाद फिर इमरान खान आके फिर अपना शुरू कर देते हैं एंटी अमेरिकन बकवास इन November 2023. सो अमेरिका के डूब जाएंगे ना ये इन्वेस्टमेंट. लाइक व्हाई वुड यू वांट टू बेल अ कंट्री व्हिच इज सो हॉस्टाइल टू यू एंड सो प्रो चाइना. सो दैट इज द प्रॉब्लम कि अब पाकिस्तान के को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है फुली, एंड दैट इज देयर प्रॉब्लम. के ठीक है, अगर इफ वी बेल देम आउट देन दे विल बी एन इम्पॉर्टेंट फ्रेंड या एलाई, राइट? वो चीज लूज कर चुका है पाकिस्तान. सो आई डोंट नो, दे सपोजिटली हैव दैट रिलेशनशिप विद चाइना, बट चाइना मे बी इज नॉट अ फ्रेंड इन डीड लग रहा है मुझे. सो बिकॉज दे आर अबैंडनिंग देयर फ्रेंड इन नीड, सो दैट इज द सिचुएशन. एक चीज अक्सर कहीं ये नहीं लगती कि रशिया हैज लॉस्ट अ लॉट इस वॉर में? अगर किसी यूक्रेन रशिया वॉर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा लूज किया है तो रशिया ने लूज किया. रशिया ने अपने सुपर पावर स्टेटस लूज कर दिया इसके साथ. कहीं आपको ये नहीं लगता कि अमेरिका ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है कि वो डायरेक्टली सपोर्ट में नहीं आया यूक्रेन के? देखिए, अमेरिका का जो सिचुएशन है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो बैक टू बिफोर द इराक वॉर. जब मैं यूरोप में ट्रैवल करता था, आई फाउंड कि यूरोप के कल्चर में एंटी अमेरिकनिज्म भरा हुआ है, और ये एलाइज की बात कर रहा हूं, मैं दूसरों की नहीं बात कर रहा हूं. और उनके कल्चर में ये है, इट्स लाइक सेइंग कि इमेजिन कि आपकी फैमिली में से जो सबसे बेवकूफ और सबसे कम पढ़ा लिखा बंदा अगर सबसे अमीर बन जाए, सो हाउ पीपल विल रिएक्ट? अरे ये जाहिल है लेकिन देखो मर्सिडीज में फिर रहा है, अरे ये बेवकूफ अकल ही नहीं है इसको लेकिन देखो महल में रह रहा है ना. तो यूरोपियंस हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स अमेरिका कि ये अनकूत कजन हमारा, लुक ही इज लाइक द ग्लोबल पावर, ऊपर से हमको डिक्टेट कर रहा है. सो दे रिजेंट दिस अमेरिकन डोमिनेशन. वो एंटी अमेरिकनिज्म उनके कल्चर में है. तो इराक वॉर के बाद तो वो उतना उभर के आया था कि अमेरिकन्स वेर वेयरिंग टी-शर्ट सेइंग आई एम कैनेडियन. याद है आपको आई एम कैनेडियन टी-शर्ट्स निकले थे जो यूरोप में हमारे बच्चे वगैरह पहनते थे, बिकॉज पीपल वर हेटिंग अमेरिकन्स अ लॉट बिकॉज ऑफ द इराक वॉर. तो ये कल्चर, तो उसके बावजूद अमेरिका रिमेन्स ए डोमिनेंट प्लेयर रिगार्डलेस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन वेदर दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट. एशिया में भी वैसे ही है अमेरिका की तरफ. सो अब जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं जब जाता हूँ मिडल ईस्ट वगैरह में और टॉक देता हूँ, पब्लिक में उठ के मुझे CIA का एजेंट ये वो एक्यूज कर देते हैं, यू हैव सोल्ड योर सोल टू द अमेरिकन, इस तरह के गालियां भी खींचते हैं. फिर जब लेक्चर खत्म हो जाता है, जब हम चाय वाय पीते थे, जब आके मुझसे पूछते हैं कैन आई हेल्प देम गेट अ वीजा टू अमेरिका, कैन आई गिव देम ए पोस्ट डॉक, बोला ये यार अभी तो इतने गालियां दे रहा था अमेरिका को, अब मुझसे पूछ रहा है हाउ यू कैन कम टू अमेरिका. सो इट इज लाइक दैट, एवरीबडी हेट्स अमेरिका बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू कम हियर. So, America ke liye, it's not big loss. Samajh? That's what I'm trying to say. Loss of public opinion is not that critical. But loss of perception ke America is incompetent is dangerous. Right? Ye jo abhi leak ho gayi, bacche ne leak kar diya. I think it's a setup. I think, why, wo National Guard mein hai, he's not even in the military. Phir uske paas kaisa access tha itne important secret documents ko. So ye jo release ho rahe documents, America ka mismanagement of its withdrawal from Afghanistan, ye sari cheezein se it
sends us the impression that America is now less competent than it was before. So that is more dangerous to America. But Russia, to sir, I mean, it is finished. There is no doubt about Russia. Russia's business, the money, its $600 billion reserves, 300 to freeze kar diya hai America. Ne. उसको डेकेड्स तक नहीं मिलेंगे. जैसे अफगानिस्तान के $7 बिलियन हमारे पास फ्रीज है, वो तड़प रहे हैं पिछले 2 साल से, उनको एक ढेला नहीं मिल रहा. द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद रशिया, उनके एसेट्स, और फिर वो जो ऑलिगार्क्स हैं उनके भी बोर्ड्स, पैसे, बिजनेसेस को भी फ्रीज कर दिए. तो लिटरली द वेस्ट ने लूट लिया रशिया को, क्लोज टू $1 ट्रिलियन के करीब उसको लूट लिया. फिर उसके नॉर्थ स्ट्रीम 2 को उड़ा दिया. ऑयल जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया था 25-30 साल के बाद वो एमोर्टाइज होता था, जो इन्होंने पाइपलाइंस बनाई हैं जर्मनी को, फिर वो दैट इज सो दे आर लूजिंग द यूरोपियन मार्केट. तीसरी चीज ये है कि यूक्रेन ने जो फाइट दिया है इनको, इट हैज एरोडेड देयर परसेप्शन ऑफ सुपर पावर. मतलब देखिए आप कितने दुनिया में कंट्रीज वेर बाइंग रशियन वेपन्स. अब आप क्यों खरीदेंगे? बिकॉज द परफॉर्मेंस. I am not convinced that Russia has achieved air dominance over Ukraine. So I will never recommend anybody to go to Russia to get air superiority or air weapons, वगैरह, उनकी air force वगैरह लेके क्या करेंगे? So I have a feeling that Russia, कुछ भी हो जाए, by 2024, Russia will become a very weak state. और यू नो कोशिशें की जा रही हैं कि उसको या तो यूएन से निकाल दे या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से निकाल दे. दोज मूवमेंट्स आर आल्सो ऑन द ग्राउंड. बट अगर ये वेस्ट वर्सेस द रेस्ट डिवीजन बढ़ जाता है ना रोहित साहब, देन रशिया विल सर्वाइव, देन इट कैन सेल इट्स ऑयल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड. तो क्या आप, जापान इज ऑल्सो नाउ बाइंग रशियन ऑयल. तो धीरे धीरे करके अगर जंग के एक दो साल के बाद critical countries will be Germany and France. अगर जंग खत्म हो जाती regardless of what the outcome is, अगर एक साल या दो साल के अंदर अगर फ्रांस और जर्मनी वापस जाते हैं रशिया से तेल खरीदने के लिए energy, then Russia is back to what it was in 2020. That is the key. आपने एक बड़ी चीज बोली कि जापान इज बाइंग रशियन ऑयल. ये वही जापान है जिसके फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में रायसीना डायलॉग में बोला था कि हम क्वाड हैं, बोला हमारे जयशंकर साहब के लिए था, हम क्वाड हैं, हम सब इकट्ठे, वी आर लाइक बीटल्स, हम सब इकट्ठे परफॉर्म करते हैं. लेकिन इसी में पॉल मैकार्टनी सिंगल सोलो एल्बम भी रिलीज कर जाते हैं. ही वांटेड टू से कि हम तीनों एक साइड हैं यूक्रेन वॉर में और आप अकेले उस साइड हैं. तो आप तो जापान भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है, ये क्या ये पॉल मैकार्टनी दूसरा आ गया क्या क्वाड में? वो इट्स लाइक जापान इज सेइंग व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक इंडिया. When I grow up, I want to be like India. Because wo, JK, Japan is an occupied country. Hamare fauje abhi bhi wahan par. We still occupy Japan. Japan ka jo naya constitution hai, America ne likha, aur unki jo defense strategies hai. So Japan ko abhi tak chance nahi mila to become autonomous from the US. Aur ye China aur Russia ke dar ke wajah se, it is not risking that. But given Japan's economy or Japan's war history, Japan can be a major superpower in the world. Lekin wo apne aap ko itna rok ke rakhe. It's like saying they are driving their car with the handbrake on. Pichle 50-60 saal se. So America ko bhi dar hai ke ye China ke dar se kahin Japan nuclear na chale jaye. So ye Indo-Pacific ka jo strategy hai, America ki military presence, pushing against China, उसके पीछे ये भी goals है कि countries like Taiwan and Japan don't become nuclear. क्योंकि अगर ये nuclear powers बन जाते हैं, तो they don't have to then play ball with America. देखिए, India को देख ले आप, 1947 से लेकर 1971 तक चार जंगें हुई, right? एक वो खुफिया कारगिल बाद में हुई, which was not considered. I don't know what to call it. But चार जंग हुई. जब इंडिया 74 में पोखरान में डिक्लेयर करा अपने आप को एज ए न्यूक्लियर केपेबल स्टेट, उसके बाद एक भी जंग नहीं. नो न्यूक्लियर पावर हैज बीन अटैक्ड. ये हिस्टोरिकल फैक्ट है. इफ जापान गोज न्यूक्लियर, नाइदर रशिया नॉर चाइना विल अटैक इट. इट इज सेफर देन बीइंग एन एलाई ऑफ द यूएस, इन माई ओपिनियन.
राइट थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस और बड़ा ही इट वाज अ नाइस डिस्कशन और बहुत ऐसा ऐसा टॉपिक था जिसपे डिस्कशन पहले बहुत कम हुआ है कि यूक्रेन वॉर में जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है थैंक्स अ लॉट सर और जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे अभी के लिए धन्यवाद सर नमस्कार थैंक यू सर